नमस्कार दोस्तों, आज आपका हमारे YouTube चैनल कथा और कहानी में स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्रावण मास का नौवां अध्याय। ईश्वर बोले कि हे संत कुमार, अब शुक्रवार की कथा कहूँगा जिसे प्राणी श्रद्धा से सुनकर समस्त विपत्तियों से छूट जाता है। पांडव वंश से उत्पन्न एक सुशील नाम का राजा था। उसने बहुत से प्रयत्न किए परंतु उसके पुत्र नहीं हुआ। उसकी सुकेशी नाम की पत्नी सर्वगुण संपन्न थी। पुत्र न होने के कारण वह हमेशा चिंताग्रस्त रहती थी। एक समय स्त्री स्वभाव के कारण उसने प्रत्येक महीने अपने उदर पर कपड़े के टुकड़े को बांध पेट की वृद्धि कर सबको दर्शाया कि वह गर्भिणी है और स्वयं किसी गर्भिणी स्त्री को खोजती रही। पार्बद से उसने पुरोहित की पत्नी को देखा, वह गर्भिणी थी। कपटी रानी ने अपना उद्देश्य पूरा करने को सूतिका को एकांत में बहुत सा धन दे दिया। इधर राजा ने रानी को गर्भवती जान पुंसवन तथा सीमांतोन्नयन बड़े प्रसन्न मन से किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव समय नजदीक आया। सुन रानी ने भी प्रसव की भी तैयारी करवा दी। दाई ने प्रसव समय में पुरोहित की पत्नी के नेत्र बांध दिए और उससे उत्पन्न पुत्र को रानी के समीप भिजवा दिया। इस प्रकार पुरोहित के पुत्र का रानी के समीप जाना कोई नहीं जान सका। रानी ने पुत्र ग्रहण कर सब जगह खबर भिजवा दी कि मेरा पुत्र हुआ। इधर दाई ने पुरोहित पत्नी के नेत्र बंधन खोल उसे मांस की पिंडवी दिखलाकर कहा कि यह अरिष्ट हुआ है, इसकी शांति पति देव से कहकर करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो न सही, परंतु आप भाग्य से जीती रही। लेकिन पुरोहित पत्नी के मन में संदेह रहा कि कहीं इसने कपट तो नहीं किया। उधर राजा ने पुत्र की उत्पत्ति सुन प्रसन्न हो ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया और जो कैदी जेल खाने में थे वे सब प्रसन्नतापूर्वक छोड़ दिए तथा पुत्र के नामकरण आदि संस्कार किए। राजा ने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। श्रावण महीने के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार को दीवार पर कई लड़कों के सहित जीवंतिका माता की मूर्ति लिखकर उसका पुष्पमाला से पूजन किया तथा 5 दीपक जलाए। फिर गेहूं के आटे के दीपक बनाकर उन्हें घी में पकाकर भोजन किया। देवी को चावल समर्पित कर कहा कि हे करुणा निधे, जहाँ भी मेरा लड़का हो उसकी रक्षा करना। इस प्रकार प्रार्थना कर तथा कथा श्रवण कर यथाविधि देवी को नमस्कार किया। तभी से जीवंतिका देवी उस पुत्र की रक्षा रात दिन करने लगी। कुछ काल बीतने पर राजा मर गए। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया की। पश्चात मंत्री पुरोहितों ने प्रियव्रत को राज सिंहासन पर बैठा दिया। उसने कुछ काल तक राज्य करने के पश्चात पितर ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गया जाने की इच्छा की। उसने राज्यभार मंत्रियों के हाथ सौंपे उसने राज्यभार मंत्रियों के हाथ सौंप कार्पटिक भेष धारण कर यात्रा आरंभ की। रास्ते में उसने किसी पुरी के एक गृहस्थी के मकान में निवास किया। उस गृहस्थी गृहस्थ की पत्नी के एक पुत्र हुआ। गृहस्थी के इस पुत्र से पहले के 5 पुत्रों को क्रमशः 5वें रोज षष्ठी देवी मार देती थी। संयोगवंश इस लड़के के हो जाने पर 5वें दिन ही राजा वहां पहुंचा। जब राजा सो रहा था तो रात में षष्ठी देवी बालक ग्रहण करने आई। षष्ठी देवी को देख जीवंतिका ने कहा कि हे षष्ठी देवी, इस राजा को लांग कर मत जाओ। इस तरह जीवंतिका ने मना करने पर षष्ठी देवी खाली हाथ चली गई। 5वें दिन पुत्र को जीवित देखकर गृहस्थ ने राजा को जीवनदाता जान प्रार्थना की कि हे राजन, आज के दिन आप मेरे यहाँ ही ठहरे, क्योंकि आपकी दया से ही मेरे 6ठा पुत्र जीवित है। गृहस्थ की प्रार्थना सुन प्रियव्रत ने उस दिन वहाँ ही निवास किया। फिर गया जाकर पिंड देने लगा। विष्णुपद पर पिंड देते समय पिंड ग्रहण के लिए 2 हाथ निकल पड़े। ऐसी घटना देख राजा को विषम्य और संदेह होने लगा कि ब्राह्मण की अनुमति से राजा ने विष्णुपद पर ही पिंड दिया। फिर राजा ने किसी ज्ञानी ब्राह्मण से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। ब्राह्मण बोले कि हे राजन, ये दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं, ऐसा क्यों हुआ, इसकी जानकारी माता से घर पहुँच कर पूछना। ये सुन राजा चिंता तथा दुखी मन से अनेक तरह के विचार करते हुए वापस अपनी पूरी की ओर चला। रास्ते में राजा फिर उसकी गृहस्थ के घर रुका। वह दिन
उस गृहस्थ के सातवें पुत्र के जन्म का पांचवा दिन था। रात के समय षष्ठी देवी पुत्र को ग्रहण करने आई। जब षष्ठी देवी को जीवंतिका के पुनः मना कर तो षष्ठी देवी जीवंतिका से कहने लगी कि हे जीवंतिके, इसकी आपके क्या आवश्यकता रहती है? तब कौन सा व्रत इसकी माँ करती है जिस कारण आप रातों दिन इसकी रक्षा करती हो? यह सुन जीवंतिका हंसते हुए कहने लगी कि हे षष्ठी देवी, इसकी माँ श्रावण महीने के शुक्रवार के दिन मेरा पूजन तथा व्रत नियम से करती है। उसी नियम को मैं आपसे कहती हूँ। इसकी माँ हरे वर्ण का कपड़ा तथा चोली ग्रहण नहीं करती और हरे रंग का कांच का बड़ा चूड़ा आदि भी अपने हाथों में ग्रहण नहीं करती। धोबन के जल चावल को कभी भी लांगती नहीं। हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं जाती और ना ही करेले का साग खाती है। वो ये सब मेरे लिए करती है। अंततः मैं उसके पुत्र की रक्षा करती हूँ। राजा यह सब वार्ता छिप कर सुन रहा था। यह सब सुन राजा सुबह अपने नगर के लिए चला। नगर पहुंचकर राजा ने माता से पूछा कि हे माते, आप जीवंती का व्रत करती हैं, उसकी विधि क्या है? राजा के पूछने पर माँ ने कहा कि जीवंती का व्रत मैं नहीं जानती। तब राजा ने गया यात्रा फल प्राप्त्यर्थ ब्राह्मणों तथा सुवासिनों के यहाँ भोजन का निमंत्रण भिजवाया तथा साथ में जीवंतिका देवी के वचनों की परीक्षार्थ ब्राह्मणों के यहाँ हरे वस्त्र, चोली और कांच के कंगन आदि भिजवाए। जब दूत यह सब लेकर पुरोहित की पत्नी के यहाँ पहुँचा तो वह कहने लगी कि मैं हरे वर्ण की कोई चीज़ नहीं लेती। दूत ने यह बात राजा से जाकर कही तो राजा ने पुरोहित पत्नी के लिए रमणीक लाल वर्ण के कपड़े आदि भिजवा दिए। पुरोहित पत्नी उन चीज़ों को ग्रहण कर राजा के घर को चली। वहाँ पूर्व दिशा के दरवाजे पर धोबन जल चावल तथा हरे वर्ण का मंडप देख वह अन्य दरवाजे के महल के भीतर गई। राजा ने यह सब देख पुरोहित पत्नी को नमस्कार किया और नियम पालन का कारण पूछा। पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार व्रत का कारण बतलाया। राजा को देख उसी समय उसके स्तन से दूध बहने लगा। गाया जी, मैं दो हाथ निकलने से रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी की बातचीत से और स्तनों से दूध बहने से राजा को यह विश्वास हो गया कि यही मेरी माँ है। तब राजा ने अपनी रानी माँ के समीप जा बड़े विनय से पूछा कि हे माते, भय मत करो, मेरे जन्म समय की ठीक ठीक बात कहो। रानी सुकेशनी ने जन्म समय की सब बात सत्य सत्य कह दी। इससे राजा ने प्रसन्न हो अपनी जन्म देने वाली माँ को नमस्कार किया और धन संपत्ति आदि देकर विदा किया। इससे वे दोनों पति पत्नी बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन रात में राजा ने जीवंतिका देवी से प्रार्थना की कि हे जीवंतिके, मेरे जन्म देने वाले पिता अभी जीवित हैं तो गया मैं दो हाथ क्यों निकले? तब स्वप्न में देवी ने कहा कि हे राजन, तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए यह माया करी थी, इसमें संदेह मत करो। शिव जी बोले कि हे मुने, यह मैंने श्रावण महीने शुक्रवार व्रत का महात्म्य कहा है, जिसको करने से प्राणी की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।